नमस्कार दोस्तों, मैं बुलकित मोहन सिंगला, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर शनि लगन में आ जाता है तो वो मैरिड लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है और वर्क फ्रंट कैसा रहता है। दोस्तों बहुत लोग कंसर्न हो जाते हैं कि उनका शनि फर्स्ट हाउस में आ गया है तो बाप रे, अब तो कुंडली बेकार हो गई, अब क्या होगा। पर ऐसा नहीं है, शनि इतना भी बुरा नहीं है जितना बुरा पोर्ट्रे किया जाता है, क्योंकि वो कर्म का देवता है, कर्म के अनुसार फल देते हैं, इसी वजह से लोग डरते हैं। लोग अपने कर्मों को सुधारना नहीं चाहते, अपनी गलतियों को सुधारना नहीं चाहते, और वो चाहते हैं कि उनके साथ सब कुछ अच्छा हो, उनकी सारी इच्छाएं पूरी हों, उन्हें फ़ायदे ही फायदे हों। वो दूसरों के कर्मों को, दूसरों की गलतियों को गिनाने में आगे रहते हैं और खुद के कर्म नहीं देखते, और इसी वजह से हम लोग शनि से डरते हैं। अब जब शनि लगन में आ जाते हैं तो उस इंसान को ये समझना चाहिए कि लगन यानी कि आत्मा, आपका पूरा पर्सनैलिटी शनि से प्रभावित है। अब शनि स्लो है तो आपके अंदर भी ये टेंडेंसी होगी स्लोली चलने की, हर काम धीरे धीरे करने की, आराम आराम से करने की, पर परफेक्शन से करने की। आपको कोई भी चीज़ ज़िंदगी में मिलेगी बहुत संघर्ष के बाद मिलेगी, क्योंकि शनि मेहनत बहुत करवाते हैं, बहुत मेहनत करवाते हैं, कमर तोड़ मेहनत, तब वो कोई चीज़ मिलती है ताकि आपको उसकी कीमत का एहसास हो कि वो कितनी मुश्किल से कमाई जाती है। उसके अलावा स्ट्रगल्स लाइफ में बहुत होते हैं, पर अगर यही शनि आप पॉजिटिव कर लेते हो तो आप बहुत हाईएस्ट पोजीशंस को रीच करते हो। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के हेड्स हैं, सीईओ हैं, और जो बहुत ही मतलब टॉप लेवल जो मैनेजमेंट में लोग बैठते हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके शनि बहुत प्रबल होते हैं। आप शनि लगन में होने के कारण जिम का भी काम कर सकते हो, जिम की मशीन्स का भी काम कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम जिम की मशीन्स लोहे की बनी होती हैं, वो भी बहुत फ़ायदा देता है। और अगर आप बहुत हार्डवर्क करते हो आईटी फील्ड में या किसी भी तरीके का हार्डवर्किंग काम है तो, और मतलब ये कह लो कि मतलब आप दिन रात नहीं देख रहे हो, तो यू विल सी बेनिफिट्स। आप एक अच्छे एक्टर भी बन सकते हो अगर आपका शनि लगन में प्रबल अच्छा है तो। शनि सिर्फ एक चीज़ मानते हैं, कर्म करो, मेहनत करो, और नीयत अपनी अच्छी रखो, किसी के साथ बुरा मत करो, अच्छी नीयत के साथ हर कर्म करो, दूसरे के साथ बुरा मत करो, बुरे कर्मों को मत करो, मेहनत करते रहो, ऑटोमेटिकली सब कुछ दे देंगे आपकी सोच से भी परे। उसमें फिर आपको कोई उनकी उपासना भी करने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको मिलेगा। और बहुत लोग ऐसे हैं कर्म उल्टे करते हैं, दुनिया भर की शनि की पूजाएँ करते हैं, तेल चढ़ाते हैं, तब भी उनके बुरे दिन लगे रहते हैं, क्योंकि शनि लगातार एक्टिवेट होकर दंड देते रहते हैं, क्योंकि आप उनकी पूजा कर रहे हो, उससे उन्हें वो प्रसन्न पूजा से नहीं होते, वो प्रसन्न सिर्फ अच्छे कर्मों से होते हैं, और अच्छे कर्म आप कर नहीं रहे हो। तो जब अच्छे कर्म नहीं करोगे और सिर्फ पूजा करके सोचोगे कि आप शनि को अच्छा कर लोगे तो वो नामुमकिन है, उल्टा नेगेटिव और एडवर्स इफेक्ट मिलेंगे। मेन चीज़ है कर्म और दूसरी चीज़ है मेहनत। अब यही शनि लगन वाले लोग अगर आलस करने लग जाएं तो समझ लो बर्बाद हैं, क्योंकि शनि अगर नेगेटिव वे में प्रबल होता है तो आलस से लाता है, और थोड़ा आलस से भी नहीं, इतना आलस से आप खुद को ही, आपको याद नहीं रहेगा आपने कौन सा सामान कहाँ रखा है, आपको खुद की फिक्र नहीं है, खुद के रख रखाव की फिक्र नहीं है, खुद के घर में कहाँ कागज पड़े हैं, कहाँ सामान पड़ा है, यही आपको परवाही नहीं है। राहु ऑटोमेटिकली पीड़ित हो जाता है आपका। तो जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आप चल रहे हो, चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे हो, चीज़ों को टाइम पे पूरा नहीं कर रहे हो, उन्हें कल पे छोड़ रहे हो, हाँ कल करेंगे, हाँ परसों करेंगे, तो शनि ऑटोमेटिकली आपके नेगेटिव हो जाएंगे। देर रात सफ़र करने वाले लोग घूमने चलते हैं देर रात को लॉन्ग ड्राइव, शनि नेगेटिव हो जाते हैं। अत्यधिक शराब पी रहे हो अगर और लगन में शनि है, बहुत नेगेटिव हो जाएगा शनि, इतना नेगेटिव कि आपकी किडनी फेल होना, लिवर फेल होना, या आपको किसी न किसी तरीके का शराब के कारण रोग होना, शुक्राणुओं की कमी हो जाना, मानसिक रोग होना, ये चीज़ें भी हो सकती हैं।
यहाँ तक कि शरीर के ऊपर नेगेटिविटी चढ़ने के योग भी बन जाते हैं। आप बहुत अत्यधिक मांसाहार करते हो तो भी लगन के शनि पीड़ित हो जाते हैं। लगन के शनि आपके ग्रोथ पे, आपके चाइल्डहुड पे, आपके बच्चों के स्थान पे भी नज़र डालते हैं, आपकी शादी पे भी नज़र डालते हैं लगन में आने के बाद, और आपके भाग्य स्थान पे भी नज़र डालते हैं। तो एक स्थान से तीन स्थान इफेक्ट हो रहे हैं। आपका पांचवा घर, आपका सातवां घर, आपका नौवां घर। पांचवा आपकी बचपन का, पढ़ाई का और आगे की ग्रोथ का, और आपके होने वाले बच्चों का। सातवां घर आपकी शादी का, आपकी पत्नी का या आपके पति का, स्पाउस का, पार्टनर का। और नौवां घर आपके भाग्य उदय का। तीनों ही चीज़ें स्लो हो जाएंगी, तीनों ही चीज़ों में दिक्कत आ जाएगी। तो शनि को आपको हर हालत में ठीक रखना है। किसी के साथ भी गलत नहीं करना, किसी का पैसा नहीं मारना, किसी की दुकान नहीं कब्जा करनी, किसी के यहाँ पे धोखाधड़ी नहीं करनी, किसी के यहाँ चोरी नहीं करनी। इसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख चीज़ है चोरी करना। अगर आप चोरी करते हो कोई भी चीज़, तो शनि इतने नेगेटिव हो जाएंगे कि आप जितना चोरी करोगे उससे 10 गुना आपका निकाल देंगे। आपने किसी के यहाँ 100 रुपये की चीज़ चोरी करी और आप राजी होकर निकल गए हंस के, कुछ ही महीनों में या सालों में आपको पता भी नहीं चलेगा, उस चोरी के बदले में 1000 गुना का नुकसान आपका हो जाएगा, उस 100 रुपये के 10 गुना। तो जितना आप दूसरे के यहाँ चोरी करोगे, आगे चल के चाहे बीमारी में आप इलाज में पैसा खर्चना पड़े, चाहे कोई एक्सीडेंट हो जाए उसमें खर्चना पड़े, या और कोई दिक्कत हो जाए, आपदा आ जाए, किसी ना किसी वे में आपका अच्छा खासा पैसा आगे चल के खर्च होगा। आपने जो जिसका चोरी किया है वो आपका निकल जाएगा अपने आप। अब शनि से जुड़ा हुआ काम जो होता है, लोहे का भी होता है, कंस्ट्रक्शन का भी होता है। अक्सर बहुत लोग होते हैं जो शनि की वजह से, प्रबलता की वजह से ठेकेदारी में चले जाते हैं, खूब चोरी करते हैं कंस्ट्रक्शन के, कभी कुछ चोरी कर, कभी कुछ चोरी कर, तो वो पनप ही नहीं पाते। जितनी चोरी करते हैं वो हमेशा गरीबी में रहते हैं। कभी भी जो ख्वाब देखते हैं, मैं इतना बड़ा वो बनूं, ठेकेदार बनूं, वो नहीं बन पाते, क्योंकि शनि वापस वहीं ले आते हैं सांप सीढ़ी के खेल की तरह, कि तूने इतनी सीमेंट चोरी की, ले मैं उतना ही गुना तेरे को नीचे गिरा देता हूं। तो जितनी आप चोरी करोगे उतना आपको नुकसान होगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। शनि लगन में होने के बाद चोरी आपके लिए एक विष के समान है, समझ लो। जितनी चोरी करोगे उतना अपनी बर्बादी आप तय कर लोगे आने वाले सालों में, आने वाले टाइम में। आपको तो याद नहीं होगा मैंने वो चोरी की थी, पर शनि को वो चीज़ याद है और वो ऑटोमेटिकली आपको फल दे देंगे। अब यही शनि लगन में, और जब भी शनि की आप ये समझ लो ढैया आती है, 7.5 आती है, या दशा आती है, या अंतर दशा आती है, तब अगर आप पॉजिटिव रहो, अच्छे कर्म करो, मेहनत करो, तो ये शनि आपको बहुत बेनिफिट्स दे सकते हैं। कई दफ़ा शनि बुरे होते नहीं, पर हमारी आदतों से बुरे हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया, शराब पीना, मांस खाना, अंडा खाना, चोरी करना, झूठी गवाही देना, दूसरों का बुरा करना, बुरे कर्म करना, गाली गलौज करना, झगड़ा करना, देर रात को सफ़र करना, किसी के ऊपर काला जादू या टोटके करना, ये सारे कर्म करने से शनि पीड़ित हो जाते हैं। और लगन में शनि है तो समझ लो कि आपकी बर्बादी तय हो जाएगी। तो आपको हर हालत में शनि को ठीक रखना है, पॉजिटिव कर्म करने हैं। अगर आपने शनि को अच्छा कर लिया तो हाईएस्ट पोजीशन आप रीच कर लोगे। क्या पता आप बहुत बड़े, मतलब ये समझ लो कि एक लीडर टाइप बन जाओ, बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड होते हैं वो बन जाओ। शनि लगन में है तो आप प्लेसमेंट का काम भी कर सकते हो, कि आपने यहाँ आपने बंदे रख लिए, आप बंदे सप्लाई कर रहे हो, जैसे मैंने बताया ठेकेदारी का काम कर सकते हो, प्लेसमेंट एजेंसी खोल सकते हो, जिम का काम कर सकते हो। आप चाहो तो शनि को और प्रबल करने के लिए अपने आप को एक डिसिप्लिन में अगर आप ले आओ कि भाई हाँ इस टाइम पे मुझे ये करना है, ये करना है, इस टाइम मुझे इतना ही खाना है, क्योंकि एक्सेसिव ईटिंग नहीं करनी, मुझे वर्कआउट करना है, मुझे और मेहनत करनी, तो एक डिसिप्लिन लाइफ बना लोगे तो शनि आपको बहुत फ़ायदे देंगे। अब जहाँ आती है फिर बात मैरिड लाइफ की। बहुत लोग डरते हैं भाई
शनि लगन में, क्योंकि तीनों जगहों पे ये असर डाल रहा है और सेवंथ हाउस पे तो डाल ही रहा है लगन से, तो क्या होगा शादी का, क्या शादी टिकेगी या नहीं। शादी टिकती है, ऐसा नहीं है कि शादी नहीं टिकती, पर उसमें खुशी गम, कभी खुशी कभी गम फिल्म देखी होगी आपने, बहुत अच्छी फिल्म थी, तो कभी खुशी कभी गम हर शादी में बना रहता है, थोड़ी थोड़ी खुशी थोड़ी थोड़ा गम, लड़ाई झगड़े प्यारे और प्यार मोहब्बत सब, जहाँ बर्तन होते हैं खटकते हैं वो वाली नौबत रहती है। तो ये भी नहीं कहूँगा बहुत ही अच्छा रहता है, ये भी नहीं कहूँगा बहुत ही घटिया रहता है, अच्छी ज़िंदगी कट जाती है, प्यारी स्मूथ एक ये समझ लो सिंपल लव लाइफ कट जाती है। अगर आपका पार्टनर शनि लगन वालों का पार्टनर ओवर एक्सपेक्टेशन करे ज़रूरत से ज़्यादा और वो शनि के जोन से बाहर निकल जाए एक्सपेक्टेशन, तब प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कि एक सिंपल लाइफ, अगर आपका कोई भी पार्टनर है जिसका शनि लगन में है तो एक सिंपल लाइफ आप बिताते हो, एक ठीक लाइफ, मैरिड लाइफ में सिंप्लिसिटी रहती है तो खुश है, अदरवाइज उनके अंदर बहुत एडवेंचर होता है, घूमने का शौक होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं, सब चीज़ होती है। बट अगेन घर में रहने का भी एक होम सिकनेस भी कई दफ़ा देखी गई है कि जब हार्ड वर्क करके घर आते हैं तो इतने थक जाते हैं, फिर उसके बाद बाहर जाने का कुछ करने का मन नहीं करता। कई वाइफ्स होती हैं थका रहा पति आया रात को कि नहीं हमने जाना था बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने, आज तो चलना ही पड़ेगा चाहे कितनी लेट हो रहा है, मैंने तो खाना नहीं बनाया, और वो थका रहा आया है शनि लगन वाला और आप फोर्स कर रहे हो, और उसके बाद ऑटोमेटिकली झगड़ा होगा ही होगा, आप कॉपरेट नहीं करोगे तो फिर शनि लगन वाले सोचते हैं कि भाई ये इंसान मुझे किसी भी तरीके से मेरी परवाह नहीं करते। और शनि लगन वाला ही क्या करेगा, कोई भी इंसान अगर उसके थकावट को उसकी मेहनत को आप एक्नॉलेज नहीं करते और उस टाइम में उसके साथ कॉपरेट नहीं करते तो ग्रह खराब होंगे ही होंगे। तो शनि लगन वाले एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, ये समझ लो उनकी पहली वाइफ उनका काम धंधा है और या पहला पति उनका काम धंधा है अगर कोई महिला है तो, और दूसरा उनका वर्क। मैक्सिमम महिलाएं जो वर्क में चली जाती हैं अगर शनि लगन में है तो काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो तरक्की करती हैं, और जो नहीं जाती वर्क में वो और हाउसवाइफ होती हैं वो अपने घर में सब चीज़ें ये समझ लो कि बस मेहनत करती रहती हैं, चलो टेबल साफ़ कर ली, सोफ़ा कर ली, मतलब उनसे बैठा नहीं जाता खाली, वो हर चीज़ मतलब कुछ ना कुछ करती रहेंगी अगर उनका शनि पॉजिटिव वे में है, यहाँ तक कि घर बैठे कमाना शुरू कर देंगी, कोई छोटा बिजनेस खोल लेंगी, घर से ही कमाना शुरू कर देंगी, चाहे कपड़ों का खोल लिया, चाहे ज्वेलरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का खोल लिया, चाहे ये कह लो मेकअप का खोल लिया, चाहे ये कह लो कि किट्टी डाल ली या किसी भी तरीके से कोई केक या कुछ भी बनाना शुरू कर दिया, मतलब कोई भी चीज़, चाहे घर से पापड़ बनाने शुरू कर दिए, मतलब उनका एक इंडस्ट्रियस माइंड होता है कि भाई मुझे कुछ ना कुछ करना है, मसाले बनाने हैं या मुझे मिठाई बनानी है या मैं जाऊँ जो कोई सोसाइटी की हेड बन जाती हैं फ्लैट्स की कि भाई मैं सबके मुद्दे उठाऊँ, मतलब किसी ना किसी वे में एक उनके अंदर एक भावना होती है कुछ करने की। तो हाउसवाइफ होते हुए भी वो चार काम कर लेते हैं, चाहे टिफ़िन शुरू कर दिया, घर घर टिफ़िन देना शुरू कर दिया। तो ये शनि लगन की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो इंसान को वर्कहॉलिक बनाती हैं कि वो बिना काम करे नहीं रह सकता। अगर उसकी लाइफ सिंपल है, इजी है, उसमें कोई काम नहीं है करने को, तो उसको लगेगा कि लाइफ का पर्पस नहीं है, वो मेहनत करेगा या करेगी तो ही उन्हें खुशी मिलती है। तो अगेन शनि लगन में मेहनत करोगे तो ही कुछ मिलेगा और धीरे मिलेगा, टाइम लग जाएगा मिलने में, पर आपको सब्र नहीं छोड़ना और हिम्मत नहीं हारनी। अब बहुत लोग पूछते हैं कि शनि लगन वाले किसकी पूजा करें, कर्म ही पूजा है आपके लिए, और अगर फिर भी आपको पूजा करनी है तो आप भोलेनाथ की पूजा करें या माँ दुर्गा की पूजा करें। और आपको लगता है आपका शनि बहुत ही पीड़ित है लगन में आने के बाद, आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो आप हनुमान बाबा की पूजा करें, सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। एंड अगेन कर्म प्रधान है, कर्म ठीक कर लोगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये सवाल था किसी का, शनि लगन में उनके हैं तो काफ़ी टाइम से वो सवाल कर रहे थे। आई होप आपको आज की वीडियो में अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो शनि लगन की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, मैरिड लाइफ कैसी होती है, वर्क लाइफ कैसी होती है, क्या उपाय हैं, किसकी उपासना करें, सब मैंने बता दिया है। अगेन अगर आप डिटेल में चाहते हैं जानना तो आप अपनी कुंडली एनालिसिस कराइए मुझसे,
एंड उसमें आपको आपकी कुंडली के हिसाब से ग्रहों का बताया जाएगा, उपाय बताए जाएंगे, और जब आप करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदे होंगे। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। कुंडली बनवानी है तो आप इस पर संपर्क करें, अपनी डिटेल्स दें व्हाट्सएप पे, और मैं पर्सनली खुद ही कुंडली बनाता हूँ। हमारे यहाँ कोई वो सिस्टम नहीं है कि स्टाफ रखा हुआ है वो कंप्यूटर से कुंडली बना रहा है, ये वो जो जितने भी उपाय हैं वो मैं खुद तैयार करता हूँ, क्योंकि हर एक की इंडिविजुअल कुंडली अलग होती है, हर एक के उपाय क्रिएट किए जाते हैं। हम वो उस भेड़ चाल में नहीं चलते कि जो उपाय चले आ रहे हैं उन्हीं को करो, हम वो उपाय मैं बना के देता हूँ जो वाकई में सटीकता से आपको फ़ायदा दें। अगेन, नेगेटिविटी दूर करने के लिए आप हमारी धुनी मंगा सकते हैं, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लैटिनम, और आप पे कोई तंत्र मंत्र हुआ हुआ है तो आप हमारे नारियल मंगवाइए, उनसे उतारा कीजिए अपना, और उसको हवन कुंड में जला दीजिए, बाद में उसकी राख कूड़े में फेंक दीजिए। आपको असीम लाभ होगा, करा कराया, टोटका वगैरह, नज़र हाय सब निकल जाएगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप सर्विसेज ले सकते हैं, कंसल्टेशन भी बुक करके मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।